अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम आपको मस्जिद नबवी के साथ जो अलबैक है वहाँ का विज़िट करवाएंगे। आज हमने प्लान किया कि जी इशा की नमाज़ के बाद हम जाएंगे अलबैक, और ये है गेट नंबर 365 से जब आप मगरिब की तरफ बाहर निकलते हैं तो दो गलियाँ छोड़ के सामने ही मौजूद है। और जब हम यहाँ पहुँचे तो एज यूजुअल अलबैक में जहाँ हर जगह रश होता है, यहाँ भी वैसे ही रश था और काफ़ी लाइनें लगी हुई थी। बाहर भी लाइनें थी, अंदर भी लाइनें थी, तो हम भी अब लाइन में लगेंगे। और बेसिकली अलबैक जो है वो सऊदी अरब का एक ब्रांड है, और जो भी उमरा जारीन और हज के लिए लोग जाते हैं ख़ास तौर पे वो अलबैक का जो है वो टेस्ट लाजमी करते हैं। तो अब वैसे तो इनका जो सिस्टम है वो काफ़ी बेहतर है, यानी कि रश जितना भी हो तो वो इतना महसूस नहीं होता। तो अब हम जा रहे हैं अंदर, अब हम अंदर जो लाइन लगी हुई है वहाँ पे जाएंगे, क्योंकि इन्होंने बाहर भी लाइनें लगाई हुई हैं और अंदर भी, क्योंकि अगर ये बाहर नहीं अगर ना लगाएं तो अंदर काफ़ी ज़्यादा रश हो जाए। और ये अब ऑर्डर वाली लाइन है, और आप यहाँ भी देखें जी कितना रश है। बेसिकली मदीना वाली जो अलबैक वाली ब्रांच है यहाँ पर ब्रोस्ट मिलता है। मक्का में जब मैं गया जबल उमर वाली ब्रांच में तो वहाँ मुझे ब्रोस्ट नहीं मिला, वहाँ पर नगट्स और बर्गर थे। तो इसलिए मैंने कहा कि जी यहाँ का विज़िट करते हैं और आप सबको यहाँ का विज़िट करवाते हैं। और ये सामने इनका डिस्प्ले है जहाँ पे मुख्तलिफ मेन्यूज़ और उनके रेट्स हैं, ये सामने आप देख सकते हैं। और मेरे ख्याल से जो इनके रेट्स हैं वो यानी कि सऊदी अरब में जो KFC और हार्डीज़ और इसके अलावा जो फास्ट फूड की चेन्स हैं वहाँ से उनकी नस्बत जो है वो अलबैक के रेट्स काफ़ी कम हैं। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा क्या मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते। और मैं तो वैसे स्पेशल यहाँ का ब्रोस खाने आया हूँ, लेकिन ब्रोस के साथ मैंने फ़िश नगट्स का भी आर्डर दिया है, क्योंकि इनके जो फ़िश नगट्स हैं और चिकन नगट्स वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बहुत बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। तो आज मैं जो है वो चिकन ब्रोस के साथ फ़िश नगट्स का भी आर्डर दे रहा हूँ। और ये आर्डर देने के बाद अब हम आ गए हैं जी इधर जहाँ पर इनके पार्सल तैयार हो रहे हैं वहाँ पे आ गए हैं, वहाँ पे भी लाइन लगी हुई है। और ये हमारा ऑर्डर है 19.50 रियाल का जो है वो 10 पीस का फ़िश नगट्स हैं और 17 रियाल के 4 पीस चिकन ब्रोस्ट हैं। अब हम करते हैं जी टेस्ट जब हमारा पार्सल आएगा और आपको बताएंगे। और ये काफ़ी लोग लाइन में लगे हुए हैं अलबैक। बहरहाल जैसे मैंने पहले ही बताया है कि इनके रेट्स मुझे काफ़ी बेहतर लगे हैं, और हमारा भी बस ऑर्डर तैयार होने वाला है और उन्होंने मुझसे जो है वो स्लिप जो है वो ले ली है। और अब हमने अपना पार्सल ले लिया है, अब हम जाएंगे बाहर, क्योंकि जो मदीना वाली ब्रांच है वहाँ पे डाइनिंग का जो है वो नहीं है ना अरेंजमेंट। तो अब हम जहाँ हमें जगह मिली हम वहाँ बैठ गए। और ये इनके सॉसेज हैं और इनके जो गार्लिक सॉस है वो कमाल है। और अलबैक का जो ब्रोस्ट या जो भी इनके हैं आइटम्स वो सॉसेज के साथ बहुत ही ज़बरदस्त कम्बिनेशन बनाते हैं। और ये इनका फ़िश नगट्स हैं, और ये फ़िश नगट्स जैसे मैंने पहले ही कहा है आपको काफ़ी टेंडर और जूसी और बहुत टेस्टी हैं, मुझे बहुत ज़्यादा ये पसंद आए हैं। इनका ब्रोस्ट जो है वो मैं अब टेस्ट करूँगा। ब्रोस्ट मैंने टेस्ट किया है, लेकिन ब्रोस्ट मुझे इसका टेस्ट एवरेज लगा है, यानी कि इतना जैसे कि इसका एक हाइप है बहुत मशहूर है वैसा नहीं है, लेकिन मुनासिब है। और आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको यहाँ का जो ब्रोस्ट है वो कैसा लगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।